why should we not take the help of those things? The simple thing is that if somebody is going to help, something is going to help you, why should you not take the help of that? Aisa nahi ki tu par involved depend ho jaye. Total dependency on anything is wrong, entirely wrong. सबसे ज्यादा गलत पता कौन होता है? सबसे ज्यादा गलत आदमी वो होता है. I should not name that person. That is very famous personality, and even most of the people must be knowing that girl. So I have not seen her personally. Whatever I am saying, that is the important value. That is Ekta Kapoor. Whatever I have heard about her, कि वो mood होती है, then she is class and astrologer. कि मैं कौन सी दिशा में मूड हूँ, किधर पिक्चर. This is what I have heard about her. आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने कुछ मिला नहीं हूँ, लेकिन मैगजीन में मैंने पढ़ा. इस तरह की डिपेंडेंसी हमेशा खराब खत्म हो जाती है. ये इसको एक बीमारी बोलते हैं सर. बीमारी होती है. इट्स अ बीमारी. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इट यूज्ड टू टेक ऑल योर एनर्जीज, इट यूज्ड टू टेक ऑल योर कैपेबिलिटी फ्रॉम यू. आपका अपने ऊपर से भरोसा हट जाता है, आपका भरोसा किसी दूसरे आदमी के ऊपर हो जाता है. यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन सम अदर पर्सन. ठीक है, दैट इज रॉन्ग. वो सबसे ज्यादा गलत चीज का होती है जब आप इतने डिपेंडेंट हो जाते हो कि नहीं, वो अगर मुझे एक ही चीज करनी है तो आई कॉल समबडी बात की मोली या उनसे पूछ लूँ तभी लूँ, या कुछ भी करना है तो आई शुड कंसल्ट माय एस्ट्रोलॉजर और कॉलेज और न्यूमरोलॉजी वगैरह. दैट इज द रॉन्ग. लेकिन कुछ हद तक जाकर इफ यू थिंक दैट यू आर प्लानिंग अ हाउस, यू आर प्लानिंग अ बिल्डिंग, वॉट एवर इट इज, अगर आप उसको चीटिंग के हिसाब से कर लेते तो वॉट इज द हार्म इन दैट. बिल्डिंग बनानी है, सेटलमेंट प्लेसमेंट करनी है, अगर वो प्रॉपर्टी हो जाती है तो वॉट इज द हार्म फॉर दैट. लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहते कि योग करने वाला भी मैं नहीं हूँ. नहीं लिखा हुआ किसी किताब में? नहीं लिखा ना कि जो योगा करेगा वो कभी नहीं बनेगा, तो नहीं लिखा हुआ. हाँ, क्या होता है, इट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम मोर डिजीजेस. आपकी बीमारी से आपको बचा सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली जिंदगी बदल देगा, लेकिन बीमारी से बचा सकता है. इट हैज दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ विद इन देम. क्या आप ऐसा करेंगे तो आप सेविंग हो जाएगी. तो दीज ऑल आर लाइक दैट प्रिकॉशंस, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है.